हमें मार्वल यूनिवर्स का टोनी स्टार्क नहीं, हमें स्पाई यूनिवर्स का पठान नहीं, हमें एनिमे यूनिवर्स का ताकी सॉरी 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 सुकासा। अरे भाई तुम्हें मेन लीड कौन है यार? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अरे तुम्हारी लड़ाई बाहर जाके करो यार, तुम मुझे वीडियो बनाने दो। चंटू स्क्रिप्ट लाके दे जरा। तो पूरे 3 साल बाद हमारा सपना पूरा होने जा रहा है, अब हम ये सीन थिएटर्स में देख पाएंगे। अरे इमेज बदल, गलती से क्या लगा दिया तूने? हाँ अब हम ये सीन थिएटर्स में देख पाएंगे, लेकिन कैसे? तो इसका आंसर है शिंकाई वर्स। तो मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ, आओ। पहला सवाल, शिंकाई वर्स क्या है? इसमें दुनिया जहान की सबसे सुंदर लड़कियां पड़ी हुई है। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। इसकी हर मूवी में पृथ्वी हमेशा खत्म होने वाली होती है, इसमें के सारे लड़के तुम्हारी तरह है। समझने वाले को इशारा काफी है अगर तुमने देखा है तो। दूसरा सवाल, इसमें कौन से एनिमे है? इसमें मेरा फेवरेट योर नेम, इसमें शर्मा जी के बेटे का फेवरेट वेदरिंग विद यू, और 21 अप्रैल को इंडियन थिएटर्स में आने वाली सुकुजमे समोसे, हाँ सुजुमे नो तोजिमोरी है। तुम्हारे लिए जैपनीज नाम पढ़ा है सालों मैंने, जल्दी से सब्सक्राइब करो इस बात के लिए। और इन सारी मूवीज के पीछे का मास्टर माइंड माकोतो शिंकाई। तीसरा सवाल, प्रूफ क्या है तेरे पास? यह है वेदरिंग विद यू मूवी का सीन, ये लड़की है मित्सुआ, ये लड़का है ताकी। तो ये रहे रेफरेंस, ये और ये सारे किप्स थी वेदरिंग विथ यू मूवी की, और ये सारे कैरेक्टर्स थे योर नेम मूवी के। और एक हिंट जो हमें मिल जाती है, इन तीनों भी मूवीज़ का कॉन्सेप्ट सेम है, तबाही। ओके तो कैसे, योर नेम मेटियोराइड, वेदरिंग विथ यू ड्रैगन, सुजुमे नो तोजिमोरी, ये दरवाज़ा। अब इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि सुजुमे नो तोजिमोरी इंडिया में कितना कमाएगी? मैंने बहुत सारे एनालिसिस किया है और मुझे पता चल गया है कि सुजुमे नो तोजिमोरी कितना पैसा कमाएगी। जानना है तो एंड तक देखो वीडियो, बीच में छोड़ के मत जाना ऐसे। चौथा सवाल, इंडिया में कब आएगी? 21 अप्रैल हिंदी में, और सिर्फ सुजुमे नो तोजिमोरी ही नहीं, उसके साथ आएगी योर नेम और वेदरिंग विथ यू। क्यों हिल गए ना? और ये तीनों भी मूवीज आएंगी हिंदी में, और इसका जितना खर्चा हुआ है उससे भी ज़्यादा ये तीनों मूवीज़ कमाएंगी। तो इससे पहले योर नेम और वेदरिंग विथ यू 219 में आ चुके हैं, और उसे इंडिया में खुद लाए थे माकोतो शिंकाई, और वो खुद यहाँ पे मीटअप के लिए आए थे। काश मुझे तब एनिमे के बारे में पता होता तो मैं भी मिलने जा पाता, क्योंकि वो मुंबई में और दिल्ली में दोनों जगह पर आए थे। लेकिन इस बार हो सकता है कि वो आए, और इस चीज़ से अगर अपडेटेड रहना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये कमाएगी कितना। अब अगर हम माकोतो शिंकाई की इंडियन फैन फॉलोइंग देखें तो योर नेम ये इतनी पॉपुलर मूवी है कि इसे खुद हिंदी में डब फैन लोगों ने किया है। वेदरिंग विद यू ये इतने पॉपुलर है कि बड़े बड़े बॉलीवुड रिव्यूज चैनल ने भी इसका रिव्यूज़ किया है। और अब आने वाली सुजुमे नो तोजिमोरी, बल्कि इसे कई लोगों ने इंग्लिश डब में देख रखा है, तो तुम सोच सकते हो कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है। अब आओ और मेरी लॉजिक में समा जाओ कि कैसे सुजुमे नो तोजिमोरी 5 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करेगी इंडिया में। सो इससे पहले हमें जानना होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमे मूवी कौन सी है। तो वो है जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो, जो कि रिलीज़ हुई थी जैपनीज़ में। तो तुम समझ सकते हो जैपनीज मूवी ने इंडिया में 1.31 करोड़ कमाए। यस, और उस टाइम उसके साथ कंपटीशन को थिएटर्स में थी हीरोपंती 2। एक बॉलीवुड फिल्म से ज़्यादा पैसा कमा रही है एक एनिमे मूवी। और अगर हिंदी में बात करें तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो, जो कि हिंदी में आई थी पिछले ही साल, और जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो भी आई थी पिछले ही साल, और वन पीस जो कि उसकी एक मूवी थी वो भी आई थी पिछले ही साल, और तीनों का कलेक्शन 70 लाख से भी ऊपर है, और तीनों भी रिलीज हुई थी जैपनीज में। देखो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो जो दूसरे नंबर पर है मूवीज़ की कमाई में इंडिया में, तो उसने करीब 80 लाख के आसपास कमाए थे। और इसका पीछे का लॉजिक सुनो, अब ड्रैगन बॉल की कितनी सारी सीरीज़ है, ड्रैगन बॉल सी, तो अगर किसी को ड्रैगन बॉल की ये वाली मूवी देखनी होगी तो उसे क्या करना होगा, उसे पहले ये सीरीज़ ख़त्म करनी होगी, इसलिए इसका कनेक्शन था 70 लाख।
उसके नीचे थर्ड नंबर पर थी वन पीस, और वन पीस के कितने हजार एपिसोड है। मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था तेरा जिंदगी निकल जाएगा उसमें, तो उसने भी कुछ कमाई इसकी 70 लाख के आसपास थी। और नंबर वन जुजुत्सु कायसेन, जिसमें बस 36 एपिसोड है, और 36 एपिसोड देखने में क्या जाएगा। तो इसलिए इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए, यानी कि तुम समझ सकते हो एनिमे की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, पर लोग इतना ज़्यादा एपिसोड को देखने में टाइम गंवाना नहीं चाहते। अब लॉजिक आता है सुजुमे नो तोजी मोरी का। तो इसे देखने के लिए तुम्हें कौन सी भी मूवीज देखने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम जिसने एनिमे नहीं भी देखा, अगर तुम उसको ये मूवी देखने लेकर गए, वो होगा एनिमे कट्टर भक्त सच्ची में। तो ये मूवीज दिखाने तुम अपने पापा को तो ज़रूर लेके जाना, मम्मी को लेके जाना, दोस्त को लेकर जाना, शर्मा जी के बेटे तक को लेकर जाना, और लेकिन जो एनिमे नहीं देखता सबको दिखाना, क्योंकि एक दिन एनिमे का नाम इंडिया में पॉपुलर होना चाहिए। क्या बोलते हो इस बात पे एक सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए? उससे पहले तुम्हारे लिए एक सवाल है, अब इस सवाल का जवाब जो भी देगा उसे अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। माकोतो शिंकाई की कौन से भी 4 मूवीज का नाम बताओ, और जो भी सबसे पहले बताएगा कमेंट सेक्शन में उसे अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगी मेरी तरफ से, जल्दी जल्दी। हाँ वैसे अगर तुमने अच्छी कमेंट की, मतलब थोड़ी सी स्टाइल में थोड़ी सी अच्छी मूवीज डाल दी तुम्हारे लिस्ट में, तो तुम्हें भी शाउट आउट मिल सकता है। हेलो, हाँ कौन? हाँ पापा, वो सुजुमे नो तोजीमोरी रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में, तो उसे देखने का पैसा चाहिए था। कितना पैसा लगेगा? यही कुछ 300-400 के आसपास। कितना? वो 200-300 के आसपास। कितना? सर 150-200 के आसपास चाहिए पासा पापा। और ठीक है, कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? सुजुमे नो तोजीमोरी। कौन की है, बॉलीवुड की है या फिर साउथ की है या फिर मार्वल की है? पापा वो कार्टून की मूवी है। तू अभी भी कार्टून देखता है? पापा वो एनिमे है। अबे फोन रख, कार्टून मूवीज देखने के लिए पैसा चाहिए इन्हें, वाह वाह वाह, फोन रख, पढ़ाई पे ध्यान दे। हमारे पापा लोगों के ऐसे ओपिनियन को बदलने के लिए मैं आज यहाँ पे एक एनिमे यूट्यूबर बना हूँ, और तुम भी एनिमे को इंडिया में पॉपुलर करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो।